हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओमानी खस्ता पराठा बनाएंगे। एक बाउल में हम 2 कप मैदा लिया है, 1/2 कप रवा, सूजी और सेमोलिना, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 1/2 टीस्पून शुगर। सब कुछ हम मिक्स करके नॉर्मल वाटर से एक टाइट डोर बना के 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। देखिए 20 मिनट्स के बाद हम थोड़ा थोड़ा कल करके वाइट ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से इसे नीट करेंगे। तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून हम ऑयल ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके नीट करेंगे और नीट करने के बाद हम फिर इसे 1/2 आवर के लिए रख देंगे। देखिए 30 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसका बॉल बनाएंगे और 30 मिनट्स के लिए हम इसे फिर से कवर करके रख देंगे। ऊपर थोड़ा ऑयल दे देंगे ताकि ड्राई ना हो। कुछ भी प्लास्टिक का ऐसे कवर कर देना, फिर 30 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। देखिए 30 मिनट्स हो गया है। अब हम प्लास्टिक को हटाएंगे और ये और सॉफ्ट हो गया है। यह है रावा सूजी, इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया और इसको मिक्स करके रख दिया। और ये है वाइट ऑयल। अब हम एक एक करके बॉल लेंगे और हाथों से राउंड शेप देंगे ऐसा। जैसा आप देख रहे हो ऐसे ही सेम करना। ऐसा करके हम सारे कर लेते हैं। देखिए मैंने सारे बना के ऐसे करके रख दिया है। अब हम एक एक करके वहाँ से लेंगे और ऐसे करके फिर इसे बनाएंगे। हाथों से दबा दबा के इसे एकदम पतला कर देंगे और ऊपर से हम रोल कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, इसका लच्छे बहुत ही अच्छे से पड़ता है, लेयर इसका बहुत ही अच्छे से आता है। देखिए ऐसा करके हम सारे बना लेते हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है बट ये बहुत ही आसान है। बेलन की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथों से आराम से ये हो जाता है। देखिए ये ऐसा होगा दिखने में, स्प्रिंग रोल जैसा। और हम एक एक करके लेंगे और ऐसे करके राउंड कर लेंगे। देखिए ऐसा करके करके हम सारे बना के 20 मिनट्स के लिए फिर रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद हम ऐसे बेल लेंगे हाथों से गोल गोल शेप में और गरम तवे पे हम दे देंगे। हम यहाँ कम ऑयल में सेक रहे हैं। आप कम ऑयल में भी सेक सकते हो और इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हो। सैलो फ्राई करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है।
गोल्डन ब्राउन करके सेक लेंगे दोनों तरफ। तो हो गया है, अब हम निकाल लेते प्लेट में। ऐसा करके हम सारे परोटा को सेक लेते हैं। देखिए मैंने सर्विंग प्लेट में दे दिया है, प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना और मेरी वीडियोस को अपना फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।